नमस्कार पेरेंट्स, आज का हमारा वीडियो है ऑन एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस हैंड फ्लैपिंग। हैंड फ्लैपिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी बच्चा हैंड फ्लैप कर रहा है वो इतना केंद्रित हो जाता है उसमें कि फिर वो हमारी सुनी कोई बात को ना सुनता है, जो हम सिखाना चाहते हैं उसको सीखना नहीं चाहता। सो इट इज़ अ वेरी बिग हिंड्रेंस बच्चे की प्रोग्रेस में, बच्चे के प्रोग्रेस करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है हैंड फ्लैपिंग। तो ये एक्सरसाइजेज आपको हैंड फ्लैपिंग कम करने में तो मदद करेंगी, अनडाउटेडली मदद करेंगी। इसके अलावा बच्चे जिनको विजुअल स्टिमिंग, जो बच्चे अपनी फिंगर्स को देख के विजुअल स्टिमिंग करते हैं, उन्हें भी मदद करेगी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, चलते चलते हिट करते हैं खुद को या सामने वाले को, उनको भी मदद मिलेगी। जो बच्चे पिंच करते हैं उन्हें भी मदद मिलेगी। तो ये सब टाइप के जो स्टीरियोटिपीज़ हैं, रेपिटेटिव स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, ये सब इससे कम होंगे। जो बच्चे रोलिंग करते हैं, कोई भी एक चीज़ पकड़ लेंगे और उसको या तो हिलाते रहेंगे या रोल करते रहेंगे, इसमें भी मदद मिलेगी। राइट, सो आप देखिए ये वीडियोज़। और एक और बिफोर आप ये वीडियोस देखें, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। जब भी आपका बच्चा फ्लैप कर रहा है, या इनफैक्ट आपका बच्चा कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, दो चीज़ें, उसको मारेंगे नहीं, ठीक है? मारना बिल्कुल भी एक इन बच्चों को सिखाने का मारना तरीका नहीं होता। इनफैक्ट वो बिहेवियर अगर वो रिपीट करना शुरू कर दे, हम मारें फिर वो भी हमको मारेगा, हम चिल्लाए कुछ दिन में आप देखोगे वो भी वैसे चिल्लाने लगेगा। राइट, तो कभी भी जब भी आपको ये डायग्नोसिस पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, या कोई डेवलपमेंटल डिले है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या सेरेब्रल पैल्सी है, उन्हें सिखाने के लिए प्लीज़ मारिए मत, प्लीज़ बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपको आपके कभी हमको गुस्सा आ जाता है, मैं भी थेरेपी कराती हूँ, कभी कभी बच्चा कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स कर देते हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बच्चा रिस्पांस नहीं दे रहा, एक थोड़ा सा हमारा टेंपर बढ़ जाता है, दैट्स ओके। क्या करेंगे इन दैट केस? अगर आपका बच्चा बहुत फ्लैप कर रहा है, या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है, या बहुत ज़्यादा मार रहा है, हिट कर रहा है, फाड़ रहा है, फाड़ने में भी हेल्प करेगा, फाड़ रहा है, तो क्या करेंगे ना, उसके हाथ पे, सिर्फ उसके हाथ की हथेली पे एक जोर से हाई फाइव देंगे, जोर से हाई फाइव देंगे। राइट, ऐसा कि बच्चा हिल जाए। ओके, बच्चा हिल जाना चाहिए उस हाई फाइव से कि ये क्या हो गया। ही विल ऑटोमेटिकली अपने अंदर जो वो केंद्रित है उससे वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा, उसकी फ्लैपिंग विथ टाइम कम होगी। बच्चे क्यों फ्लैप करते हैं? वो अपने प्रेशर नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें एक ताली दे दें, उन्हें प्रेशर मिल गया, उसके बाद उनके हाथों को ज़ोर ज़ोर से दबाएं, डीप कंप्रेशन, मैं उसकी भी एक्सरसाइज आपको इसमें वीडियो शेयर कर रही हूँ, पर उस वीडियो में ना हम सिर्फ उनके, जैसे हम ये जॉइंट्स दबाते हैं, उनके रिस्ट को हम आगे पीछे प्रेशर देते हैं, वो हर बार करना इज़ नॉट पॉसिबल। जितनी बच्चा फ्लैप कर रहा है, दिन में 10 बार फ्लैप कर रहा है, 10 बार तो हम उसकी एक एक जॉइंट पकड़ के नहीं प्रेशर दे सकते ना। तो क्या करेंगे, जब वो अपना हाथ फ्लैप कर रहा है, एक नो, जोर से ताली, एंड स्क्वीज हिज हैंड्स, स्क्वीज, गिव हिम अ नाइस टाइट स्क्वीज। जब जैसे हमारी माँ, हम बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हमारी माँ हमको एक टाइट जादू की जप्पी दे देती है, हमें कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है। राइट, द पैरासिम्पथेटिक गेट्स एक्टिवेटेड, द सेम इज़ विथ मसाजेज एंड स्क्वीजेज। जैसे ही आप बच्चे को ये स्क्वीज देंगे, मैं नहीं कह रही कि एक दिन में, दो दिन में, हफ्ते में आपको असर दिखेगा, लेकिन आप महीना दो महीना करके तो देखो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मिलता है रिस्पॉन्स, जस्ट ट्राई इट आउट। तो क्या करेंगे, मारेंगे नहीं, बोलेंगे नो, लाउड क्लैप ऑन द हैंड एंड कंप्रेशन, डीप स्क्वीज दबाएंगे। और अगर आप
सेम अगर बच्चा जंप करता है, टो वॉकिंग करता है, उसकी एक्सरसाइजेस मैंने पास्ट में डाली है, पर वहाँ मैंने ये नहीं बोला था कि टो वॉकिंग और जंपिंग के बच्चों के भी सोल्स को आप सेम जोर से ताली दीजिए और उनके टोज को, एंकल जॉइंट को, काफ को अच्छे से स्क्वीज कीजिए. डू इट, इट डज हेल्प. आप करके देखिए. जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, और अगर बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपीज कर रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, उसको पकड़ के टाइट एक जादू की जप्फी दे दीजिए. मैं तो अपने सेंटर में भी बच्चों को जप्फी मार लेती हूँ. कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिढ़ रहा है, स्टिमिंग कर रहा है, मैं तो वहीं पकड़ लेती हूँ. सो डू दिस, इट डज हेल्प, राइट? सो गो अहेड, वॉच द वीडियो एंड शेयर इट, लाइक इट. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड. विजय भव तथा अस्ति. बहुत ज्यादा फ्लैपिंग कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, पिंच कर रहा है, मार रहा है, तो बच्चे को मारेंगे नहीं. क्या करेंगे? एक जोर से हाई फाइव, जोर से हाई फाइव, और फिर स्क्वीज, स्क्वीज द हैंड्स. निचोड़ दो, जैसे निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोड़ दो. बच्चे शांत हो जाते हैं, होते हैं. और आप ये करेंगे ना, उसके सारे हाथ के जॉइंट्स को अच्छे से आप स्क्वीज कर दीजिए. बच्चा बिल्कुल थोड़े देर के बाद शांत हो जाएगा. कुछ बच्चों में तुरंत हमको नहीं मिलता रिस्पॉन्स, बट आप हफ्ता 10 दिन आप करते रहो, बच्चे शांत होते हैं, उनकी फ्लैपिंग भी कम हो जाती है. तो जब आपका बच्चा फ्लैप कर रहा है, क्या करेंगे? उर्वी क्या करेंगे? हाई फाइव, दधिया, हाई फाइव और एक स्क्वीज. और हाई फाइव ऐसे नहीं देंगे, हाई फाइव देंगे ऐसे, है ना, एंड अ स्क्वीज, या. और फिर मेरा बच्चा शांत हो जाता है. ओके, चला. रोटेट योर शोल्डर एंटी क्लॉकवाइज. चलो उल्टा उल्टा रोटेट करेंगे. हाँ, करो करो. 1 2 ठीक से पकड़ के, 4 अच्छे से ऊपर तक लेके जाएंगे. ज्योति मैडम ऊपर तक, स्ट्रेट हैंड. हाँ, 8 पूरा स्ट्रेट. 9 वेरी गुड फलक, वेरी गुड ओमकार, वेरी नाइस. सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, वेरी गुड. 8 रोटेट योर रिस्ट. हाँ, 2 3 4 5 6 वेरी गुड. हाँ, 8 9 10 अदर हैंड, दूसरा हैंड करो. हाँ, 1 2 3 4 5 वेरी गुड, 7 8 9 10 वेरी नाइस. 9 वेरी गुड. ओके, व्हील बैरो, हाँ हाँ, व्हील बैरो एज वेल एज क्रॉलिंग, बोथ हेल्प इन हैंड फ्लैपिंग, दोनों. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. करो करो मेरे बच्चों, क्रॉलिंग ऑल्सो हेल्प्स, क्रॉलिंग वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, बेयर क्रॉल, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ दक्ष, वेरी नाइस. दीज आर ऑल एक्सरसाइजेस फॉर हैंड फ्लैपिंग, यस, वेरी गुड. हाँ स्वराज, आराम से, आराम से, वेरी नाइस. सो बेयर क्रॉल, क्रॉलिंग, यस, गुड, 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 गुड. जंपिंग जैक्स, चला हाथ के साथ. अभी बच्चे को कराना बहुत मुश्किल है, देखो कैसे करा रहे हैं. करो करो, 1 2 बच्चा जंप नहीं करता, ओबे नहीं करता, तो फिर भी करवाते हैं. हाँ, 6 वेरी नाइस, 7 8 हाँ, 9 10 ओके. मिरर एक्सरसाइजेस, रेज योर राइट हैंड, ओनली राइट हैंड, टच योर लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईयर, टच टच योर लेफ्ट ईयर, वेरी गुड.
Yes. Touch, touch. Very good. Okay. Now raise your left hand. Left hand. Chalo, chalo. Tap your right shoulder. Tap your right shoulder. Very good. Very good, Arush. Very good. Very good. Now raise your right hand. हाँ करा दो right hand. Very good. Touch your left knee. Knee cross, midline cross. Yes, left knee. Namo left knee. हाँ left knee. Very good. Very good Swaraj. Very good Arush. Very good. Very good. Okay, now raise your left hand. Left hand. Left hand. Very good. Touch your right ear. Right ear. Midline cross. Very good. Midline cross. Very good. Ah, very nice. Good. Very good. Very good. So these are midline cross exercises. Very good for speech stimulation also. It will reduce flapping also. So lifting weights is also a very good way of reducing hand flapping. बच्चे से वजन उठवाइए. Very good. Turn around. Go to Achal madam. Go go go. हाँ very good. हाँ come back come back. Come back Theo. Come back. So help tell the child to lift weights. Go back last. Okay. Go properly and go fast. Go fast. Very good. अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रेशर एक्सरसाइज है. जो बच्चे बहुत हैंड फ्लैपिंग करते हैं या अपनी फिंगर्स को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं मुंह के पास लाके या उन्हीं को देखते रहते हैं या रोलिंग करते हैं फिंगर्स की, उनके लिए ये एक्टिविटी है जहाँ हम उनके रिस्ट और उनके फिंगर्स पे प्रेशर देते हैं. ओके स्टार्ट. हाँ पकड़ेंगे. हाँ टू थ्री फोर फाइव. ओके के बाद फिर उंगलियों को प्रेशर देंगे यहाँ से एक से सपोर्ट करेंगे नीचे सपोर्ट करेंगे एक उंगली यहाँ और एक यहाँ और फिर फाइव तक काउंट करेंगे और तब तक ऐसे पकड़ कर रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव. फिर उसके आगे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे नकल के वहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ही पांचों उंगलियां करेंगे और फिर नेक्स्ट हैंड बिल्कुल उसी तरह से पकड़ेंगे रिस्ट के पर करेंगे पहले वन टू थ्री फोर फाइव फिर थंब से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव. ओके वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से दोनों हाथों की दस उंगलियां पूरी करेंगे. नेक्स्ट टनल एक्टिविटी. थाम थाम दादा. वेरी गुड. ये अरुष. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चला दीदी चला बाबू
चला शोनी चला, हाँ या वेरी नाइस, खूब छान दीदी। ओके आरुष येते परत, आता ये दादा, चल बाबू मुक, ओ खूब छान, अरे खड़ा नहीं होने का रे, ओ वेरी गुड, ओके चला बाहर, चल चला मुक्ता, ये वेरी गुड, ओके पेडलिंग विथ हैंड्स, पेडल जब हम करते हैं हाथ के साथ तो प्रेशर पड़ता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर फ्लैपिंग। एंटी क्लॉकवाइज चलो, करो खुद करो, हाँ ओके। दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस, ये आप करवा सकते हैं, बहुत आसान है करवाना, और हमने सारा डेमो आपको एक्चुअल बच्चों पे दिया है जिनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सो बच्चे एक दूसरे के साथ इमिटेशन से भी सीख जाते हैं, यू नो आप देख रहे हैं बच्चे वहाँ बेयर क्रॉल कर रहे हैं, नॉर्मल क्रॉल कर रहे हैं, एक ही कमरे में कितना कुछ चल रहा है, तो इसलिए एक दूसरे से भी वो सीख रहे हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सरसाइजेस जस्ट दो तीन और चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा हम बाल्टी बच्चों से उठवाते हैं, उसके अलावा देर आर वेट्स अवेलेबल जो हाथ की कलाइयों पे बन जाते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चों में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, कुछ में नहीं आता। एक और चीज़ जो हम क्लास में करते हैं, बच्चा बहुत हैंड फ्लैप कर रहा है ना, तो उसी के हाथ उसके बम के नीचे दबा के उसको बैठा देते हैं और दूसरे बच्चे को बोलते हैं कि इसको बैठा के रखो यहीं पर, तो हाथ उस बच्चे के बम के नीचे होता है, बच्चा अपने ही हाथों पे बैठा होता है और एक दूसरा बच्चा जिस ये मॉनिटर करता है कि वो बच्चा बैठा रहे उठे ना। ये आप कर सकते हैं अगर बच्चा थोड़ा शांत है, बाय पर्सनालिटी बाय टेम्परमेंट शांत है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपने कुछ इमेजिनेशन लगा सकें और इफ़ यू कैन कम अप विद मोर एक्सरसाइजेस, एनी एक्सरसाइज जिसमें बच्चे के हाथों पे, फिंगर्स पे और रिस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, एनी सच एक्सरसाइज विल हेल्प रिड्यूस द फ्लैपिंग। इसमें कोई भी एक्सरसाइज आप ऐसी अगर और ढूंढ सके जिस पे उसके यहाँ और यहाँ प्रेशर मिल रहा है बच्चे को, वो आपका हैंड फ्लैपिंग कम करने में ज़रूर मदद करेगा, राइट। सो पेरेंट्स ट्राई इट एट होम, like the video, share it as much as you can, subscribe our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.